हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले गूंगे रांगे राघव की कहानी। गूंगे, तो मैं आज इसके आगे के पार्ट पढ़ाऊंगी। उस दिन तो थोड़ा सा बताए थे संक्षेप में, और आज मैं आगे की बात बताती हूँ कि जब एक गूंगे बालक को कुछ महिलाएं रोकती हैं और उससे पूछती हैं उसकी कहानी, तो वह बहुत ही द्रवित होकर बताता है कि उसकी माता, उसके पिता के मरने के बाद उसकी माता उसे छोड़कर चली जाती है और उसके बुआ फूफा ही उसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन बुआ फूफा उसे काफ़ी तंग करते थे, मारते पीटते थे, जैसा कि वह बता रहा है। उसके बोलने का अंदाज से वह काफ़ी मारते पीटते थे, और वह कहता बताता है, इशारे से ही बता देता है सबको कि वह बिना काम के भोजन नहीं खाता है, काम करता है तो खाता है। किसी हलवाई की दुकान में लड्डू बांधता है, बर्तन मांजता है, तब वह खाना खाता है। तो इस तरह से वह अपने जो आप बीती है वो सुना रहा महिलाओं को। तो इसमें एक महिला है चमेली, जिसको कि वह बहुत ही उसका मन है सो द्रवित हो जाता है, और वह कहती है कि हमारे पास इशारा से ही कहती है कि हमारे यहाँ रहेगा तो गूंगा उसको स्वीकार कर लेता है, और वो इशारे से ही पूछता है कि क्या देगी जब मैं वहाँ रहूँगा तो क्या देगी। तो चमेली कहती है कि खाना दूंगी, और चार उंगलियाँ दिखाकर कहती है, चमेली ने चार अंगुलियां दिखाकर इशारा किया कि खाना दूंगी। तो गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर कहा, तैयार है, चार रुपये, चार अंगुलियां दिखाकर वह कहती है, मतलब चार रुपये। तो सुशीला कहती है, उसकी जो बगल की है, वो कहती है कि तुम पछताओगी, भला यह क्या काम करेगा। मतलब कहने का कि वो कहने का मतलब है सुशीला का कि यह जब गूंगा है, जब बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है ढंग से, तो वह क्या खाना क्या काम कर देगा तुम्हारा। तो वो कहती है कि चलो, गूंगा तैयार हो जाता है उसके यहाँ रहने के लिए, और वो रख लेती है। अब वह घर नहीं जाता था क्योंकि उसके बुआ फूफा जो थे वो उसकी कमाई चाहते थे कि दिन भर वो काम करके पैसे लाए और उससे उसका खर्च चले। तो यहाँ जो चमेली के यहाँ जब रहता है, तो यहाँ उसके बच्चे जो हैं, चमेली के बच्चे, वो उसे कभी कभी चिढ़ाते थे, तो कभी कभी इसे गुस्सा भी आ जाता था, नाराज भी हो जाता था। एक दिन ऐसे ही गुस्से में वह घर से निकल कर कहीं, चमेली पुकारती रहती है गूंगे, तो गूंगा घर में था ही नहीं, तो आता कहाँ से। वो कहता है, उसका पति कहता है कि भाग गया होगा। उदासीन स्वर उसका में कहता है उसका पति कि भाग गया होगा। अब चमेली सोचने लगती है कि हमने अपने घर को अजायब घर का नाम दे दिया, क्योंकि अजीब अजीब लोग, जैसे वो गूंगा था उसको हम रख लिए, और भी ऐसी तरह की जो कुछ थी, इसलिए उसको अजायब घर नाम दे दिया। अब उसको हम लोग आश्रय तो देख लिए। अब वो सोचती है कि क्यों भागा होगा। वो अब उसको गाली देने लगती है कि नाली का कीड़ा, और जब बच्चे खाकर उठ गए, खाना सबका जब हो जाता है, तो वह दरवाजे पर खड़ा हुआ नज़र आता है, और उसने इशारा करता है चमेली को कि वह भूखा है। चमेली तो गुस्साई भी थी, वह गुस्से से ही बोलती है कि काम तो करता नहीं भिखारी, और उसकी वो रोटियां फेंक देती है। तो किंतु गूंगा खड़ा रहा और उसने रोटियां छुई तक नहीं। यह मैं कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये भी लेखक दिखा रहा है कि गूंगा भले ही है, लेकिन उसके अंदर भी एक आत्मसम्मान की भावना है, जिस आत्मसम्मान के कारण जब उसे फेंक करके रोटी देती है चमेली, तो वह कुछ समय के लिए वह उसे छूता तक भी नहीं है, लेकिन
भूख तो से तो वह बहुत ही ज़्यादा उसे भूख लगी हुई थी, क्योंकि कोई मुफ्त में तो खाना देता नहीं था, इसलिए वह रोटी उठाकर खाना शुरू कर देता है। और जब गूंगा खा चुकता है तब चमेली कठोर आवाज़ में पूछती है, कहाँ पर कहाँ गया था? तब वह कोई उत्तर नहीं देता, उसे झुकाकर खड़ा रहता है। और तभी चमेली को गुस्सा आ जाता है और उसकी पीठ पर एक चिमटा मार देती है, जड़ देती है। किंतु गूंगा रोता नहीं है, उसकी मार से भी नहीं रोता। अब उसके अंदर एक अपराधी भाव तो आ ही जाता है कि हमने गलत किया, बिना बताए जब हम चले गए थे। अब जब वह देखती है कि रो भले नहीं रहा है, लेकिन उस चमेली के आंखों में खुद आंसू आ जाते हैं उसको मारने के बाद। और जब चमेली की आंखों में आंसू गूंगा देखता है तो वह भी रो पड़ता है। फिर वह इसका जो ये भागने का क्रम था, वह बार बार भाग जाता और वापस आ जाता था। तो चमेली सोचती थी कि उसने एक दिन भूख भी ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। ये चमेली सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि चमेली ममता वो दिखा ली, उसके अंदर एक ममता का जो भाव था वह उठकर खड़ा हो जाता है और गूंगे को अपने घर ले आती है। इसी का उसे आज पछतावा हो रहा था। बसंता उसका बेटा है, और एक बार बसंता ने गूंगे को मार दिया, एक थप्पड़ लगा दिया, तो गूंगे ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया और वह रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर चमेली आई तो उसकी समझ में इतना ही आया कि खेल खेल में बसंता ने उसे मार दिया था। बसंता ने माँ से कहा कि गूंगा उसे मारना चाहता था। चमेली ने गूंगे को दंडित करने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम सभी जानते हैं कि जब किसी माँ के सामने उसके बच्चे उसका बच्चा जब रोने लगता है तो, या बच्चा उसका बताता है किसी और के विषय में उसकी गलती बताता है, तो समझ में आता है कि गलती उसी की है, दूसरे की गलती है, वह उसे अपने बच्चे की गलती नहीं दिखाई देती। इसलिए वह उसे बार बार उसको दंड देती दिया करती थी गूंगे को। अब चमेली को लगा कि यदि चमेली का हाथ है, जब वो मारने लगती है बसंता को तो उसे उसका हाथ वह पकड़ लेता है कि नहीं, तो जब चमेली का हाथ गूंगा पकड़ लेता है तो उसे मन में सोच आ जाता है, चमेली के मन में एक सोच आता है कि यदि यही हाथ उसके बेटे का होता तो। वह सोचने पर विवश हो जाती है कहीं कि ऐसे ही अगर कहीं उसका बेटा भी गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख झेलता क्या। वह अपने उसके जगह पर अपने बेटे को सोचने लगती है, अपने बेटे के लिए सोचने लगती है। और वह फिर से अपने गूंगे के रूप में अपने बेटे को सोच करके वह उसका हृदय भर आता है। वह रोटी बनाती हुई सोचने लगती है कि बसंता को अपने उन्होंने खुद उसका बेटा को ही दंड मिलना चाहिए, और इसी अधिकार को जानने के लिए गूंगा आज उसका हाथ पकड़ा था। उसे लगा कि गूंगा बहुत तेज है, गूंगा की आंखों में अभी भी उसके पक्षपात के प्रति तिरस्कार की भावना थी, क्योंकि वह जान रहा था कि यहाँ पर गलती उसकी नहीं थी, उसके बेटे की थी। इसलिए वह उसे जताना चाहता था, वह बोल तो नहीं सकता था लेकिन जताना चाहता था कि गलती उसके बेटे बसंता की ही थी, मेरी गलती नहीं थी। इसलिए वह सोचने पर विवश हो जाती है चमेली कि इसकी सजा बसंता को मिलनी ही चाहिए। अब गूंगे को जब खाना देती है वह, तो उसे खाना खिलाने के बाद कहती है, क्यों रे तूने चोरी की है? वह चुप रहता है, वह अपना सिर झुका लिया। चमेली उसे दंडित ना करके
अपराध स्वीकार कराना चाहती थी। वह कहती थी कि तुम चोरी किए हो तो उसे सही सही अपने अंदर अब उसको उन बातों को स्वीकार कर लो, और दरवाज़ा की ओर इशारा करके बोलती है कि तुम घर से निकल जाओ। एक तो तुम ढंग से काम नहीं कर सकते और बार बार तुम भाग जाते हो, तो तुम यहाँ से चले ही जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। रहना है तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क के कुत्तों की तरह जूठन पर ज़िंदगी बिताए। मगर गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखें फाड़े चमेली को ही देखता रह जाता है कि चमेली बोल क्या रही है। अब चमेली आवेश में चिल्ला उठी, मक्कार बदमाश उसे अपशब्द बोलने लगती है गुस्सा में, कि पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, और पत्ते चाटने की आदत जो पड़ गई है। वह कहती है कि पत्ता चाटने की आदत जो तुम्हें बन गई है, इसलिए तुम रोज़ रोज़ भाग करके यहाँ पर आते हो, वापस आ जाते हो और खाना मांग के सिर्फ खा लेते हो। तो उसका एक उदाहरण के स्वरूप देती है कि कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी हुई है, जो हो जाएगी, मतलब कहने का कि तुम्हारी जो आदत है बार बार भीख मांग के खाने की, इसलिए तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगती है, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कितना भी बोल दे लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वह गूंगे को आवाज़ लगाती रहती है, नहीं रखना है, वह कहती है हम तुमको नहीं रखेंगे, तुम इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन मंदिर की मूर्ति की भांति, वह जैसे मंदिर में कोई मूर्ति को स्टैचू के रूप में लगा दिया जाता है तो वह वहाँ से हिलता तक नहीं, उसी तरह से वह खड़ा रहता है और हिलता डुलता भी नहीं है और कुछ बोलता भी नहीं है। केवल इतना वह समझ रहा था कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। उसे अचरज और अविश्वास भी हो रहा था, क्योंकि जो मालकिन उसे घर में बुला करके रखी थी उसे आज वह निकालने को तैयार हो गई है। चमेली उसका हाथ पकड़ करके जोर से झटकती है और घर से ढकेल देती है, घर से निकालने के लिए। अब घूंगा धीरे धीरे चल पड़ता है। एक घंटे के बाद चमेली के दोनों बच्चे आते हैं, शकुंतला और बसंता, और वो चिल्लाने लगते हैं, खून खून से लथपथ, कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था गूंगा, खून से लथपथ हो गया था और उसका सिर फट गया था और वह खून से भींग रहा था। गूंगा सड़क के बच्चों से पिट कर आया था। वह गूंगा होकर भी किसी से दबना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके अंदर एक स्वाभिमान की भावना थी, इसलिए वह पिटा था। चमेली उसे आश्चर्यचकित होकर देख रही थी और कि इससे उसको अफसोस भी लग रहा था कि हमने इसको अपने घर से ढकेल कर निकाला तो यह बाहर में भी पिटाई खा के आया है और इसके सर फट गए हैं और यह खून से लथपथ हो गया है। और उसकी जो दुख थी वो दुख उससे देखा नहीं जा रहा था। वह सोच रही थी कि इस तरह के अनेक रूपों में गूंगे संसार में भरे पड़े हैं, वे कहना तो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, और उनकी जो अर्थहीन आवाज़ न्याय और अन्याय को समझकर भी अन्याय का विरोध नहीं कर पाती है। अब चमेली सोचती है कि आज सारे मनुष्य ही गूंगे हो रहे हैं, लोग समाज राष्ट्र धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष घृणा से छटपटा रहे हैं, लेकिन फिर भी कृत्रिम सुख की लालसा में उन्हें अपने जाल में वो फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो कहानी है, ये कहानी हमारे समाज को के जो समाज का जो समाज की जो विडम्बना है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं लेखक हमारे सामने, और हमें उजागर कर रहे हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आज का जो समाज है वो
इस तरह के समाज में आज अनेकों गूंगे भरे पड़े हैं। तो ये कहानी समाप्त हो गई। अब आगे हम कुछ ऐसा व्याख्या बता देंगे इसमें, जिसमें कि तुम लोग ऐसे कहानी नहीं पढ़ोगे पूरा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकोगे। जैसे मान लो कि अब यहाँ चमेली के दो बच्चे हैं, शकुंतला और बसंता। यदि पूछ दिया कि बसंता किसका बेटा है तो दो तीन नाम दे देगा, जैसे महिलाओं की दो तीन महिलाओं का नाम है इसमें तो वो नाम दे देगा। तो उसमें बताना पड़ेगा कि किसकी किसका बेटा है। इसलिए कहानी को लाइन बे लाइन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तुम लोग लाइन बे लाइन पढ़ लोगे।